नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 105वीं बार देश की जनता से मन की बात करने। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत को मिली चंद्रयान 3 की सफलता और G20 सम्मेलन जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए कुछ प्रेरक प्रयासों को भी देशवासियों के साथ उन्होंने साझा किया। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने मन की बात में नैनीताल की हॉर्स लाइब्रेरी का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ युवा इस चलती फिरती लाइब्रेरी को संचालित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निशुल्क है। इसमें दुर्गम इलाकों के 12 गांवों को कवर किया जा रहा है, जो कि बच्चों को खूब भा रही है। पहाड़ों में संसाधनों की कमी और स्कूलों में विपरीत परिस्थितियों की वजह से कई बार बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहरों में लाइब्रेरी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिल जाती है, लेकिन पहाड़ों में इस तरह की सुविधाएं मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए नैनीताल जिले के युवाओं ने एक ऐसी अनोखी पहल की है, जिससे पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से किताबें उपलब्ध हो पा रही हैं। नैनीताल की ये अनोखी हॉर्स लाइब्रेरी जिले के युवाओं की एक अनूठी पहल है। हिमोत्थान और संकल्प यूथ फाउंडेशन संस्था की मदद से घोड़े की पीठ पर चलती फिरती लाइब्रेरी यानी हॉर्स लाइब्रेरी शुरू की गई। कुछ युवाओं द्वारा घोड़े की पीठ पर चलती फिरती इस लाइब्रेरी को पढ़ाई के मकसद से शुरू किया गया, जो अब गाँव में पहुंचकर बच्चों को किताबी ज्ञान पूरा करवाने में मदद कर रही है। ये लाइब्रेरी ऐसे समय में बच्चों के बहुत काम आती है जब पहाड़ों में बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं। घोड़ा लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान, प्रेरक कहानियाँ और नैतिक शिक्षा संबंधी किताबें भी दी जा रही हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार की तरफ से पाठ्यक्रम की पुस्तकें स्कूलों में मिल जाती हैं। उनकी कोशिश बच्चों को साहित्य और नैतिक शिक्षा से जोड़ने की है। तो ये थी अनोखी हॉर्स लाइब्रेरी से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।